वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक, उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो ये हमारा किचन है, ये जना बर्तन वगैरह पड़े हैं, हमारे कपड़े भी इधर लटकाए होते हैं, ये MP3 भी है। ये देखो, सारा जो है ना कोई सफाई नहीं करता है, जाली भी पड़ चुके हैं इसके ऊपर, मकड़ी ने जाली भी बनाई है। तो ये जना ऐसे ही पड़ा रहता है, बजाता बजाता कोई नहीं है, क्योंकि सब अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, बिजी होते हैं अपने मोबाइल में। खोल लिया अभी मैं बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा आपके ख्याल में क्या होगा? खोली से बनाओ। झींगा, झींगा की सफाई मैंने किया, अभी इसको फ्राई करूंगा, फ्राई करके फिर रोटी के साथ खाऊंगा। ये मैंने जो है इसके ऊपर रेड चिल्ली लगाया, रेड चिल्ली और काली मिर्च डाला और नमक। अभी ऑयल गर्म हो रहा है, तेल गर्म हो रहा है, देखो खजूर भी पड़े वाला आलू हैं। दे दो खदरी भाई, टीमा में वाला आलू दे दो। हां ना ना ला ना ला, दे दो वाला आलू, ज्यादा हो गया। आलू आलू मैं कीमे में दे दूंगा, टीमा में दे दो। कीमा में। हाँ सही है। सही है, तो मेरा ये बंगाली दोस्त का बोला कि आलू ले लो, आलू मैं कीमे में डाल दूंगा, ये झींगा जो है ना बना लूंगा पहले। पहले झींगा बना दूंगा, झींगा जो है ना रोटी के साथ खा लूंगा, फिर कीमा जो है ना चूल्हे पर रख दूंगा, एक तीर से दो शिकार होंगे, खाना भी खाते रहूँगा, झींगा भी बंद रहे, तो ये जाना एक तीर से दो शिकार हो गए हो जाएंगे। हाँ ये बीच में तो चलो चूल्हा खाली है, इधर रख सकता हूँ, इधर कीमा रख दूंगा। किधर जा रहा है? तो दोस्तों मेरा झींगा भी फ्राई हो रहा है और मेरा जो है ना कीमा भी बन रहा है। ये देखो दोस्तों, मेरा ये तरीका है ना, मैं पहले कुछ भी नहीं डालता इसके अंदर, मतलब मसाले वगैरह नहीं डालता, प्याज टमाटर ऑयल और कीमा वगैरह सब कुछ एक ही जगह डाल लेता हूँ, फिर जब थोड़ा सा पक जाता है उसके बाद मैं फिर मसाले डालता हूँ, नमक वगैरह। ये मेरा जो है ना इस प्रदेश में यही तरीका है, अच्छा भी बनता है इस तरीके से। तो अभी झींगा फ्राई होने वाला है, तैयार होने वाला है, कीमे में अभी टाइम है। तो मेरा झींगा फ्राई हो चुका है, अभी जो है ना इसको मैं छोटे से प्लेट में डाल रहा हूँ, इसको जो है ना मैं ये रोटी के साथ खाऊंगा। ये इसलिए जो है ना काला काला लग रहा है क्योंकि इसमें हमने मछली भी फ्राई किया था, मसाले वगैरह के साथ जो है ना काला हो चुका है। बाकी बिल्लियों को भी मैंने दे दिया खाना, मगर उस टाइम क्या हुआ था कि मैं वीडियो बना रहा था बिल्लियों की, और मेरा मोबाइल जो है ना ये उसका लोकेशन गलत हो गया था, स्टोरेज का वो मेमोरी कार्ड पे लग गया था, तो मेमोरी कार्ड में इतना जगह नहीं होता है, मेमोरी कार्ड मेरे पास 4 GB का और मोबाइल की मेमोरी ज़्यादा है, तो मैं समझा कि मोबाइल की मेमोरी जो है ना फुल हो गई, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा, तो इसलिए बिल्लियों जो है ना उनका वीडियो रह गया, नहीं बना वीडियो का, वरना मैं उनके लिए मैंने कैमरा ऑन किया था। चलो सारा निकाल दिया। तो दोस्तों झींगा इस तरह जो है ना ये बन जाता है, फिर एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा चेक कर लेते हैं किस तरह टेस्ट है।